नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका चैनल में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है मीन लगन के जातक। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, राजयोग कौन कौन से हैं इस कुंडली के अंदर, और अगर राजयोग नहीं बन रहे तो रतन बीज मंत्र और उपाय इनके माध्यम से आप लगभग सब राजयोग जैसी सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। शुभ रंग कौन से हैं इस कुंडली के अंदर, जो आप जिसके कपड़े आप धारण कर सकते हैं। शुभ दिन कौन कौन से हैं, कारक और मारक ग्रह कौन से हैं। कारक और मारक ग्रह वो होते हैं, कारक ग्रह के अंदर, कारक मतलब जब जब महादशा और दशा चलेगी तो कारक ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार जो मारक ग्रह हैं, जब जब इनकी दशा और अंतरदशा चलेगी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बीज मंत्र, रतन और उपाय ये अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली आपकी करोड़ कुंडली तो मजबूत हो ही जाएगी, आपको मारक ग्रह भी अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीन लगन के जातक कैसे होते हैं। दोस्तों देखिए, ये काफी ईमानदार होते हैं, सीधे स्वभाव के होते हैं, लेखक और कवि या फिर जज वकील, इन प्रोफेशन में इनको प्राय देखा गया है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठ जाए, क्रूर ग्रह मतलब जब मंगल या शनि या अपनी वो दृष्टि यहां पे बना ले तो ऐसा जातक शराबी भी बन सकता है। तो आपने ये देखा, तो आप मैंने बताया, और गुरु की इन पे, क्योंकि गुरु का इन पे प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि जो 12वीं राशि यहां से स्टार्ट हुई, मीन लगन हुई, और मीन लगन के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु। तो गुरु का स्वभाव भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, वो बड़े सरल स्वभाव के होंगे और काफी धार्मिक किस्म की उनकी प्रवृत्ति भी होगी ईमानदार के साथ साथ, और अपने बुजुर्गों को बहुत प्रेम देने वाले होंगे। तो ये मैंने बताया आपको मीन लगन के जातक कैसे होते हैं, और बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, जिंदगी के अंदर सब सुविधा प्राप्त करने के बाद भी बहुत सरल तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। घमंड नाम की चीज नहीं होती ऐसे जातकों के अंदर। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं कौन कौन से मारक और कारक ग्रह हैं। तो 12 नंबर की राशि लग्नेश हुए गुरु, तो लग्नेश जो कुंडली के मालिक हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लग्नेश को मिली दो राशि, एक मीन राशि दूसरी धनु राशि, दशम भाव के अंदर, जिसे कर्म भाव भी माना जाता है। इसके अंदर आप प्रोफेशनल नौकरी के साथ साथ आप बिजनेस करेंगे, तो जो भी आप अर्निंग करेंगे बिजनेस से वो इस भाव से देखा जाता है। तो गुरु इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे हुए। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरे भाव में जिसे जिसे धन भाव माना जाता है, इसमें पड़ी है मेष राशि, और जिनके स्वामी होते हैं मंगल, मंगल को मिली है दो राशि, एक मेष राशि, साथ ही साथ दूसरी वृश्चिक राशि जो पड़ी है भाग्य स्थान में, जो नौवां भाव है। तो मंगल तो इस कुंडली के लिए बहुत ही कारक हुए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो लग्नेश के मित्र भी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरे भाव के अंदर पड़ी है दूसरी राशि जो वृषभ राशि होती है, और मालिक हुए इनके शुक्र, शुक्र को मिली है दो राशि, एक वार्षिक और एक तुला। तुला पड़ी है आठवें भाव में, जो मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव माना जाता है, और ये परिश्रम का भाव है। दोनों ही अच्छे भाव नहीं है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं, और लग्नेश के दुश्मन भी होते हैं शुक्र, तो शुक्र इस कुंडली के लिए हो गए अति मारक, अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे आपको। आगे चलते हैं, चौथे भाव के अंदर पड़ी है मिथुन राशि, और मिथुन के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और इस स्थान के अंदर सब भौतिक सुख सुविधा, जो भी जिंदगी के अंदर जो भी आपको लग्जरियस लाइफ के अंदर जो भी आपको चीजें चाहिए वो यहीं से देखी जाती हैं। तो बुध को मिली है एक मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि, जो कि सप्तम भाव है, जिसके अंदर विवाह देखा जाता है, और साथ साथ पार्टनरशिप का भी यहां से देखा जा सकता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट भाव हैं और केंद्र के भी हैं, तो बुध भी इस कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हुए और लग्नेश के मालिक भी हैं। आगे चलते हैं, पंचमेश जो आपके इष्ट देव हैं उसमें है कर्क राशि, जिसके मालिक होते हैं चंद्रमा, लग्नेश के दोस्त हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा भी इस कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले बने। जो छठा भाव है उसमें है पांचवें नंबर की राशि यानी सिंह राशि, जिनके मालिक होते हैं सूर्य, सूर्य लगन के दोस्त तो हैं पर वो भाव अच्छा नहीं, तो ये क्योंकि बहुत ही गलत भाव है, यहाँ से दुर्घटना के साथ साथ शत्रु के साथ साथ कोर्ट कचहरी और लंबी बीमारी, ये सब चीजें देखी जाती हैं, तो सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद बची है सिर्फ दो राशि यानी मकर और कुंभ, इन दोनों के जो स्वामी होते हैं शनि, ये लक्ष्मी भाव, छोटी मोटी बीमारी भी यहां से देखी गई है, और ये तो जेल यात्रा का भाव है, यहां से अधिक जो व्यय खर्चे जितने होते हैं आपके वो देखे गए हैं। तो शनि लग्नेश के दुश्मन भी हो गए, उनको भाव भी अच्छा नहीं मिला, तो शनि भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं हुए। तो मैं आपको छठे आठवें बारहवें में कोई अगर ग्रह होगा और वो शत्रु हो लग्नेश के, तो वो मारक में आ जाते हैं, क्योंकि छठा आठवां बारहवां कुंडली के लिए अच्छे भाव नहीं माने जाते, सबसे अच्छे माने जाते हैं केंद्र के और त्रिकोण के। और जो पहले जो घर होता है केंद्र का भी होता है और
जो होता है ये त्रिकोण का भी माना गया है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं, बहुत लोगों का मेरे पास अभी कॉल आया और वो कह रहे थे कि राहु केतु के बारे में आपने नहीं बताया। देखो राहु केतु जो होते हैं वो दानव ग्रह हैं और बुध शनि शुक्र के वो दोस्त माने जाते हैं। तो वो अगर अपनी राशि में हुई तो वो बहुत अच्छा, वो उनका खुद का कोई प्लेनेट नहीं होता, वो जिस राशि में बैठते हैं वैसे ही स्वभाव करते हैं। तो वो अच्छे भाव में बैठे हैं और अपने मित्र राशि में बैठे हैं तो वो वैसे ही बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, इसके विपरीत वो उल्टा आपको रिजल्ट देंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आज अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राजयोग छुपे हैं इस कुंडली के अंदर। तो देखिए अगर यहाँ पे गुरु बैठ गए लग्न के अंदर ही, तो ये समझ लीजिए एक तो यहाँ पे गुरु जो है दिग्बली हो जाते हैं इस स्थान के अंदर, उनकी पावर बढ़ जाती है अब ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना, ऐसे जो जातक होंगे बहुत ही बुद्धिमान होंगे और बुद्धि के कारण ज्ञान के कारण इतना ज्ञान अर्जित करेंगे, अपने ज्ञान के माध्यम से जिंदगी के अंदर सब सुख सुविधा की प्राप्ति करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर यहाँ चौथी राशि के अंदर अगर बुध बैठ गए तो आप ये समझ लीजिए ऐसा जातक सब सुख सुविधा जितनी भी भौतिक सुख सुविधा होती है जिंदगी में सभी के सभी अपने बोलने के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपने ज्ञान के कारण वो सब चीजें अर्जित करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर बुध यहाँ पे भी बैठ गए तो यहाँ पे भी भद्र नामक का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, यहाँ पे भी बनाते हैं। तो ऐसे दो जातकों का, क्योंकि ये सप्तम भाव जो होता है बीबी का भी, आपके वाइफ का भी घर होता है, तो जब आपकी शादी होगी उसके बाद आपके जिंदगी में सब सुख सुविधा की आपको प्राप्ति होगी और भौतिक सुख सुविधा आप सब लेंगे। इसी प्रकार अगर नौवीं राशि के अंदर अगर गुरु बैठ गए तो यहाँ पे भी सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपको मिलता है। ये भी आपको ये समझ लीजिए आप अपने कर्म और या किसी तरह का बिजनेस या नौकरी इनके माध्यम से आप बहुत पैसा अर्जित करेंगे और जिंदगी के अंदर सब सुख सुविधा पाएंगे। सिर्फ सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू नहीं बल्कि आपको संतान और आपके जो जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं उनकी आपके सबकी सब आपकी हेल्प करेंगे और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। तो और कौन कौन से इसमें हम देख सकते हैं, देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे मंगल और चंद्र हुआ तो यहाँ पे लक्ष्मी नाम का एक राजयोग मिलता है, इसमें भी आपको जिंदगी के अंदर सब सुख सुविधा मिलेगी, आपकी संतान जिंदगी में बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी और बहुत ज्यादा धन अर्जित करेगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पे भी मंगल या चंद्र होता है तो ये भी लक्ष्मी राजयोग बना, यहाँ पे भी जिंदगी के अंदर आप ये समझ लीजिए कोई ऐसी सुविधा नहीं होगी, सुख सुविधा जो आपको ना मिले। इसी प्रकार अगर यहाँ पे भी मंगल और चंद्र होते हैं तो यहाँ पे भी राजयोग का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर किसी राशि में अगर यहाँ पे मंगल ना होके चंद्र और गुरु हैं तो भी तो आपको गजकेसरी नामक एक पंच महा गजकेसरी एक नाम का एक राजयोग मिलेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे मंगल ना होके चंद्र और गुरु बैठे हैं तो भी आपको गजगेश्वरी नाम का एक राजयोग प्राप्ति होगी। या फिर चंद्र और गुरु आपस में युति बना लेते हैं, मतलब सातवें एक दूसरे से सातवें या पांचवें भाव में हो, चंद्र उसे पांचवें स्थान पे देख रहे हो या सातवें स्थान पे हो, उनकी युति हो या प्रतियुति हो, तो ऐसे में गजगेश्वरी नामक राजयोग का निर्माण होता है और आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये मैंने बताया राजयोग कौन कौन से इस कुंडली के अंदर देखे जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आप रत्न इस कुंडली के अंदर धारण कर सकते हैं। तो देखिए जो कारक ग्रह होते हैं उन्हीं के ही सिर्फ आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो आप लग्नेश को मजबूत करने के लिए पुखराज पहन सकते हैं और साथ ही साथ बुध का आप मत पहने, या बुध का पहन भी सकते हैं पर मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने पंचमेश को स्ट्रोंग करिए। पंचमेश को स्ट्रोंग करने के लिए चौथा आप मोती पहन सकते हैं और अपने भाग्य स्थान को मजबूत करने के लिए आप पहन सकते हैं मूंगा। पुखराज आप इस उंगली में पहनेंगे, मूंगा आप इस उंगली में पहनेंगे और ये मोती सच्चा मोती आप इस उंगली में पहनेंगे। तो सिर्फ आपको लग्नेश और इष्टदेव और भाग्येश इन तीनों को प्रसन्न करना है। अगर आपने इन तीनों को प्रसन्न कर दिया तो डेफिनेटली आपको जिंदगी के अंदर सब सुख सुविधा ये देंगे और जो मारक ग्रह हैं उसके अगेंस्ट भी ये लड़ेंगे, तो आपको जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ऐसा समझ लीजिए।
ये मैंने आपको बताया बीज मंत्र, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, बीज मंत्र ये मैंने बताया आपको रतन, और रतन के साथ साथ आप बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं। लग्नेश के लिए कर सकते हैं आप ओम ब्रह्म बृहस्पति है ना, मैं करीब करीब 6 महीने पढ़ लीजिए। और चंद्र के लिए भी आप एक काम कर लीजिए, या तो बीज मंत्र पढ़ लीजिए या फिर शिव जी की पूजा कर लीजिएगा, बहुत अच्छी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और इसके पास भाग्येश के लिए भी आप बीज मंत्र कर लीजिए, ओम अंग अंगार का है नमः, इसके करीब करीब आप 3 महीने जाप कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ दोस्तों आप क्या ऐसा कर सकते हैं, जो उपाय आप गुरु का मतलब होता है अपने बड़ों का, तो आप अगर अपने बड़ों का अपने गुरुजनों का आदर करना शुरू कर दिया, उनसे प्यार मोहब्बत करनी शुरू कर दी, तो आपके गुरु लग्नेश मजबूत हो जाएंगे, कुंडली आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो आप अपने बड़ों का जो है बहुत आदर करिए। और साथ साथ चंद्रमा के लिए आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए आप या तो क्या कीजिए कि सोमवार के दिन आप की कुछ भी सफेद कलर की कोई भी चीज, सफेद चादर किसी कहीं पे भी जाके अपने गुरुजनों या किसी को भी आप दान कर लीजिए, तो भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट आप देख सकते हैं।